आप दुनिया के सबसे जहरीले मेंढक के बारे में जानते हैं? आखिर इस मेंढक की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दोनों ही सवालों के जवाब बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मेंढक में 10 इंसानों को मौत की नींद सुलाने लायक जहर होता है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक मार्केट में इस मेंढक की कीमत करीब $2,000 यानी करीब 1.5 लाख रुपए है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में इस मेंढक की तस्करी होती है। मेंढक की इस प्रजाति का नाम पॉइजन डार्ट मेंढक है, जो एक लुप्त प्राय प्रजाति का मेंढक है। आमतौर पर ये मेंढक पीले और काले रंग के होते हैं, लेकिन कुछ हरे चमकदार नारंगी रंग के और कुछ नीले काले रंग के भी होते हैं। आमतौर पर इन मेंढकों की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर होती है, हालांकि कुछ 6 सेंटीमीटर तक भी बड़े हो जाते हैं। इनका औसत वजन 28 से 30 ग्राम होता है। जहरीला होने की वजह से इस मेंढक की पूरी दुनिया में तस्करी की जाती है। ये मेंढक मूल रूप से बोलीविया, कोस्टारिका, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, पेरू, पनामा, गुयाना, निकारागुआ और हवाई के ट्रॉपिकल जंगलों में मिलते हैं। जर्मनी स्थित हमबोल्ट इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स का मानना है कि कोलंबिया में 200 एम्फीबियंस यानी उभयचर प्रजातियों को लुप्त प्राय घोषित किया गया है। इनमें पॉइजन डार्ट मेंढक भी शामिल है। बीते करीब 16 वर्षों से इन मेंढकों को बचाने की कोशिश की जा रही है। साल 2015 तक इसी मेंढक से मिलती जुलती 3 प्रजातियों के एक्सपोर्ट की अनुमति मिली। अब इस ब्रीडिंग सेंटर में 7 प्रजातियों के मेंढकों का प्रजनन कराया जाता है। इसके बाद इन्हें अमेरिका, यूरोप और एशिया में भेजा जाता है। हाल ही में हुई एक स्टडी में बताया गया था कि साल 2014 से 17 के बीच अमेरिका से मंगाए गए अलग अलग प्रकार के मेंढकों में से बड़ा हिस्सा पॉइजन डार्ट मेंढक का था। इन मेंढकों के जहर का इस्तेमाल दवाइयों में होता है। इनके जहर से दर्द निवारक दवाइयां बनाई जाती है। इस मेंढक के जहर से बनाई गई दर्द निवारक दवाइयों का असर मॉर्फिन से 200 गुना ज्यादा होता है। फिलहाल इनके जहर की तीव्रता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि दवाइयों में उनका उपयोग सुरक्षित तरीके से किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट।